वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. तुम 400 लाख करोड़ गाइस, और यानी 2040 तक 40 ट्रिलियन डॉलर, 2000 मतलब 40 तक 40 ट्रिलियन। भाई मुंह के एक बार थकता है भाई, बोलते हैं मुंह थकता नहीं है, मुंह जम जाता है मुंह, एक बात नहीं होती निकलती। 15-20 सालों में भारत का ये शेयर मार्केट 40 ट्रिलियन भाई। 2030 का कह रहे हैं कि 2030 तक सिर्फ इंडिया का जो मार्केट शेयर होगा वो 10 ट्रिलियन। और गाइस, 400 लाख करोड़ कितना बनता है पैसे में बताओ यार, डॉलर्स में बताओ, मतलब 4 ट्रिलियन डॉलर से तो ऊपर बनता है ये। बिल्कुल, 4 ट्रिलियन डॉलर को तो इजीली क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है 80 का डॉलर है तो मतलब वो 100 मतलब उस लिहाज से करो तो 4.5 ट्रिलियन इसके करीब कहीं जाके पैसा बन रहा है। बिल्कुल बनता है, बहुत बड़ा पैसा है यार। एक बात मैं बताऊं, असर है ना वो इनडायरेक्ट तरीके से देश के हर एक व्यक्ति पर पड़ने वाला है। इसीलिए ये खबर सिर्फ देश के कुछ अमीर लोग या फिर देश की बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है, बल्कि ये देश के तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है। आप लोगों को भी ये सीधे इम्पैक्ट करती है, कैसे वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले खुशखबरी है क्या, तो देखिए सबसे पहले खुशखबरी तो ये है कि भारत का जो स्टॉक मार्केट है यानी कि भारत का जो शेयर बाजार है उसने इतिहास में पहली बार 400 लाख करोड़ रुपए का जो मार्क है उसे छू लिया है। मतलब कि भारतीय स्टॉक मार्केट की जो वैल्यू है वो 400 लाख करोड़ रुपए के पार चली गई है। हालांकि जो लोग अब भी नहीं समझे उन्हें मैं आसान भाषा में बता देता हूँ। देखिए, भारत का जो स्टॉक मार्केट है ना BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके अंदर देश की जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं, मतलब कि जितनी भी कंपनियों के शेयर आप खरीद या बेच सकते हैं, देश की उन तमाम कंपनियों का एक वैल्यू होता है। कोई कंपनी 100 करोड़ रुपए की है, कोई कंपनी 1000 करोड़ की है, कोई 1 लाख करोड़ की है, तो खैर इन तमाम कंपनियों की जो वैल्यू है, जो इनकी कीमत है, उसे जोड़ा गया और पाया गया कि हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनियां हैं उन तमाम कंपनियों की वैल्यू 400 लाख करोड़ रुपए के पार चली गई है। इतना ही नहीं, इसी के साथ एक दूसरी खबर भी निकल कर सामने आई है जो कि अमेरिकी न्यूज एजेंसी NBC ने जारी करी है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं जिसमें NBC ने बताया है कि एनालिस्टों के अनुसार भारत की जो स्टॉक मार्केट है वो आने वाले 20 सालों के अंदर कम से कम 10 गुना तक बढ़ सकती है। और इसी के साथ ये भी अनुमान जताया गया है कि आने वाले 20 सालों में भारत का स्टॉक मार्केट कम से कम 40 ट्रिलियन डॉलर के वैल्यूएशन को पार कर जाएगा। और आपको बता दूं कि एक और एजेंसी है जिसे जेफरीज कहा जाता है, स्क्रीन पर आप देखिए, उन्होंने कहा है कि 2030 तक ही भारत का स्टॉक मार्केट 10 ट्रिलियन के भी पार चला जाएगा। लेकिन ये देखकर आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार इससे हमें क्या फायदा, इससे तो उन्हें फायदा होगा जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, जो इसके जानकार हैं, इसके अलावा उन कंपनियों को फायदा होगा जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, हम आम लोगों को इससे क्या लेना देना। तो आपको बता दूं कि इसका असर आप सब पर भी पड़ता है। कैसे, दरअसल जब किसी देश का स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो उसमें सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर होता है विदेशी निवेश, यानी कि जो विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी निवेशक हैं, विदेशी म्यूचुअल फंड हैं, वो हमारे देश की कंपनियों में पैसा निवेश कर रहे हैं, उस वजह से उनके शेयर की वैल्यू बढ़ती है। और जब शेयर की वैल्यू बढ़ती है तो शेयर मार्केट का मार्केट कैप बढ़ता है, यानी कि जो तमाम एजेंसियां बता रही हैं कि भारत का जो स्टॉक मार्केट है 40 ट्रिलियन चला जाएगा आने वाले 20 सालों में, तो इसके पीछे सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर होगा विदेशी निवेश। मतलब दुनिया भर से पैसा भारतीय कंपनियों को मिलेगा, उस पैसे से कंपनियां क्या करेंगी, वो अपने नए नए प्लांट खोलेंगी, उस पैसे से वो अपनी कंपनियों का विस्तार करेंगी, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगी दुनिया भर को। और जब एक्सपोर्ट होगा और ज्यादा फैक्ट्रियां खुलेंगी, ज्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन होगा, तो डेफिनेट सी बात है
कि कंपनियों को ज्यादा कारीगरों की जरूरत पड़ेगी, उन्हें ज्यादा एम्प्लॉय चाहिए होंगे, जो बड़े बड़े दफ्तर खुलेंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल लोगों की जरूरत पड़ेगी कंपनियों को, यानी कि सीधे तौर पर रोजगार पैदा होगा। इसके अलावा जब हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो सरकार को बम्पर टैक्स भी मिलेगा, और टैक्स मिलेगा तो सरकार डेवलपमेंट के काम ज्यादा कर पाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ा पाएगी। यानी कि देखा जाए तो इसका बेनिफिट पूरी अर्थव्यवस्था में ऊपर से लेकर निचले पायदान पर बैठे हर एक व्यक्ति को मिलता है, भले वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, यानी कि आप सब लोग इससे जुड़े हुए हो। हालांकि इस पर आपका क्या मत है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस 400 लाख करोड़ का, यानी 2040 तक 40 ट्रिलियन डॉलर, 2000 मतलब 40 तक 40 ट्रिलियन। भाई मुंह के एक बार थकता है भाई, बोलते मुंह थकता नहीं है, मुंह जम जाता है, मुंह एक बात नहीं होती निकलती। 15-20 सालों में भारत का ये शेयर मार्केट 40 ट्रिलियन, भाई 2030 का कह रहे हैं कि 2030 तक सिर्फ इंडिया का जो मार्केट शेयर होगा वो 10 ट्रिलियन। और भाई 400 लाख करोड़ कितना बनता है पैसे में बताओ यार, डॉलर में बताओ, मतलब 4 ट्रिलियन डॉलर से तो ऊपर बनता है ये। बिल्कुल 4 ट्रिलियन डॉलर को तो इजीली क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है 80 का डॉलर है तो मतलब वो 100 उस लिहाज से 4.5 ट्रिलियन इसके करीब कर जा रही है, पैसा बन रहा है, बिल्कुल बनता है, बहुत बड़ा पैसा है यार। यार एक बात मैं बताऊं, इंडिया हर सेक्टर में रिकॉर्ड तोड़ रहा है यार, इतिहास में पहली बार भारत का शेयर मार्केट 400 करोड़ पार हुआ भाई, और ये भी और बढ़ेगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा, और निवेश जैसे बढ़ेगा, और भाई की बात बिल्कुल ठीक है। देखो जब आपकी स्टॉक एक्सचेंज जब बढ़ती है, उधर सरमाया आता है, इन्वेस्ट होता है, दूसरी कंपनीज नई कंपनीज खोलते हैं, एम्प्लॉइज की जरूरत होती है, मतलब लेबर की जरूरत होती है, बहुत कुछ डायरेक्ट जॉब्स बनती है, इनडायरेक्ट जॉब्स बनती है, भारत का इनडायरेक्टली डायरेक्टली सारा भारत, इससे देश की इकोनॉमी भी बढ़ती है, इससे देश को भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो ये बात माननी पड़ेगी कि यार इस टाइम अगर पूरी दुनिया किसी मार्केट को देख रही है ना जो बहुत तेजी से ऊपर जा रही है, भारत वो इंडिया है, और ये ऐसी मार्केट है जहाँ पर आपके नुकसान ना होने के बराबर है, ना होने कोई एक आध कंपनी हो जिसका हम नहीं कहते कि थोड़ा घाटे में चले जाए, लेकिन तकरीबन 99% आपको फायदा है, नुकसान नहीं है, इधर आपका पैसा कभी भी डूब नहीं सकता। आप चाइना में करो आपका डूब जाएगा, आप पाकिस्तान में करो डूब जाएगा, आप इस टाइम मैं कहता हूँ अमेरिका में कंट्री में करो, जिस तरह वो डाउन में जा रहा है अमेरिका में भी आपका पैसा डूब जाएगा, लेकिन भारत ऐसा वाहिद मेजर कंट्री है जिसका कभी भी आपका जहाँ पर आपका पैसा नहीं डूब सकता। तब भी पूरी दुनिया से भारत में निवेश हो रहा है, और इस साल का बोला जा रहा है कि 100 बिलियन डॉलर का निवेश जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्रॉस कर, 100 बिलियन डॉलर एक साल में जब इन्वेस्टमेंट आती है ना, एक साल में 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है, और 110 से 120 बिलियन डॉलर तो रेमिटेंस आएगा एक साल में, खुद अंदाजा लगा लो। ये भारत का पावर है, क्यों दुनिया इंडिया की तरफ आ रही है, ये पावरफुल कंट्री है। सही बात है। आपको कैसे सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, अपने राय कमेंट सेक्शन में दें, आप क्या सोचते हैं, और यार कैसा फील कर रहे हो, प्राउड कौन कौन फील कर रहे हैं, कमेंट बताना बहुत ज्यादा। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।